दोस्तों, आठवें फिल्म फेयर अवार्ड की आज हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि जो आठवां फिल्म फेयर अवार्ड थे 1961 में दिए गए थे, कौन कौन सी फिल्मों को दिए गए थे और कौन कौन सी ऐसी फिल्में थी जो इतनी सुपर डुपर हिट होते हुए भी उनको मात्र 3 अवार्ड से ही संतोष करना पड़ा था। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी मित्रों से गुजारिश है, दोस्तों से गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आठवां जो फिल्म फेयर अवार्ड था वो सन 1961 को उसकी जो सेलिब्रेशन हुई थी या उसको अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसमें कई ऐसी फिल्में थी जो नॉमिनेशन हुई थी, लेकिन उनमें अवार्ड उनको बहुत कम मिले थे। जो नॉमिनेशन के लिए उस साल बेस्ट फिल्म्स आई थी, मुगले आज़म आई थी, मासूम आई थी, परख आई थी, बेस्ट एक्टर्स में दिलीप कुमार साहब कोहिनूर के लिए आए थे और साथ में मुगले आज़म के लिए भी वो बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन हुए थे। देवानंद साहब कालाबाजार के लिए आए थे, राज कपूर साहब छलिया फिल्म के लिए आए थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो मोतीलाल साहब आगा, पृथ्वीराज कपूर रहमान, ये सभी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए आए थे। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की यदि बात करें तो शंकर जयकिशन दिल अपना प्रीत प्राय के लिए आए थे, नौशाद साहब मुगले आज़म के लिए आए थे, रवि जो संगीतकार थे वो 14वीं का चांद के लिए उनकी नॉमिनेशन के लिए उनकी फिल्म आई थी। दोस्तों, यदि बेस्ट प्लेबैक सिंगर की अब बात करें तो रफ़ी साहब का जो गीत था 14वीं का चांद हो, उसके अलावा दिल अपना प्रीत पराई लता मंगेशकर जी की आवाज़ में था और लता जी की ही आवाज़ में एक प्यार किया तो डरना क्या मुगले आज़म फिल्म का दोस्तों गाना था। डायरेक्टर्स की बात करें तो बिमल रॉय साहब की परख फिल्म आई थी नॉमिनेशन के लिए, के आसिफ साहब की मुगले आज़म आई थी, किशोर साहू की दिल अपना प्रीत पराई आई थी। दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो बीना राय की घूंघट आई थी, मधुबाला की मुगले आज़म आई थी, नूतन छलिया के लिए नॉमिनेशन में आई थी। दोस्तों, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात यदि करते हैं तो नंदा की आंचल फिल्म आई थी दुर्गा खोटे मुगले आज़म के लिए, कुमकुम कोहेनूर के लिए, ललिता पवार आंचल के लिए आई थी। बेस्ट गीतकारों की बात करते हैं, शकील बदायूनी 14वीं का चांद के लिए उनका नॉमिनेशन फिल्म 14वीं का चांद का हुआ था, शैलेंद्र जी का दिल अपना प्रीत पराई, शकील बदायूनी का एक बार फिर प्यार किया तो डरना क्या, ये सब नॉमिनेशन के लिए आए थे। लेकिन इसमें ट्विस्ट था दोस्तों, इतने सारे अवार्ड जो थे, अब आपको बताते हैं कि 11 नॉमिनेशन आए थे मुगले आज़म फिल्म के लिए दोस्तों, और 6 आए थे 14वीं का चांद के लिए। परख फिल्म बिमलदा की जो फिल्म थी उसके लिए दोस्तों 5 नॉमिनेशन आए थे दोस्तों। तो 14वीं का चांद और मुगले आज़म फिल्म और परख, इन तीनों फिल्मों ने 3-3 अवार्ड जीते थे दोस्तों। अब बात करते हैं कि बेस्ट फिल्म जो थी उस ज़माने में 1961 आठवें फिल्म फेयर अवार्ड में, तो बेस्ट फिल्म मुगले आज़म रही थी दोस्तों। बेस्ट डायरेक्टर रहे थे बिमल रॉय फिल्म परख के लिए। बेस्ट एक्टर की यदि बात करें तो दिलीप कुमार साहब को फिल्म कोहेनूर के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बीना रॉय घूंघट फिल्म के लिए उनको मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो मोतीलाल परख के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नंदा आंचल के लिए दोस्तों। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, जी हां दोस्तों, यहां पे नौशाद साहब को नहीं मिला था फिल्म मुगले आज़म के लिए, यहां मिला था दिल अपना प्रीत पराई के लिए शंकर जयकिशन साहब को। बेस्ट गीतकार थे जो उस साल रहे थे शकील बदायूनी, वो भी फिल्म 14वीं का चांद के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो थे वो रफ़ी साहब एक बार फिर छा गए थे 14वीं का चांद हो, उस गीत के लिए उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। दोस्तों, अब कहानी की बात करें, टेक्निकली बात करें, रूबी सेन को मासूम के लिए कहानी के लिए मिला था। बेस्ट डायलॉग के लिए अमन
कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, एहसान रिजवी और मुगले आजम। बेस्ट एडिटिंग के लिए मूसा मंसूर को फिल्म कोहिनूर के लिए दोस्तों मिला था। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर आर डी माथुर को फिल्म मुगले आजम के लिए मिला था। बेस्ट आर्ट डायरेक्शन की बात करें तो बीरेन नाग को चौदहवीं का चांद के लिए, और बेस्ट साउंड डिज़ाइन के लिए दोस्तों बहुत ही अहम चीज़ होती है फिल्म में, ये भी जॉर्ज डिसूजा को फिल्म परख के लिए मिला था। तो कुल मिलाकर अब दोबारा एक बार फिर आपको बताते हैं कि मुगले आजम को 3 अवार्ड मिले थे, चौदहवीं का चांद को 3 अवार्ड मिले थे, परख को 3 अवार्ड मिले थे, कोहिनूर को 2 अवार्ड मिले थे, दिल अपना और प्रीत पराई को 1 अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों ये थी 8वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की जानकारी। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा